के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। रुपयों के लेन देन की आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी, एक की मौत। मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की बंडलायुक्ति की समीक्षा, नौसर बस अड्डे को 18 सितंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हुई हिंदू वाहिनी की बैठक, वाहिनी की मजबूती और विकास पर दिया गया जोर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों की बैठक, कहा साफ सफाई सहित जनता की सहूलियतों पर ध्यान दें। संक्रमित सुअर, चमगादड़ या अन्य संक्रमित जीवों के संपर्क में आने से ही मनुष्य में फैलता है निपाह वायरस। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 29वीं पुण्यतिथि पर दी जाएगी श्रद्धांजलि, उनके द्वितीय पुत्र एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र बहादुर सिंह ने दी जानकारी। शहर को जलजमाव से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन कसा कमर, अतिक्रमण हटवाकर किया गया नाले की साफ सफाई, कईयों के काटे गए चालान। विद्या भारती व अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 9 दिवसीय प्रधानाचार्य पुंश्चर्य पाठ्यक्रम का हुआ समापन। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने शूटिंग के दौरान की गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत, कहा काफी उत्साहित है इस फिल्म को लेकर। देश और प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित हुई कार्यशाला। सीबीएसई हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में फिर बेटी ने मारी बाजी, एक ही स्कूल के 3 छात्र छात्राएं जिले में आए अव्वल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासनादेश के तहत होता है छात्रवृत्ति का वितरण। जीडीए उपाध्यक्ष ने किया गोलघर स्थित जीडीएस व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण, लिफ्ट और अग्निशमन यंत्र को दुरुस्त कराने के दिए निर्देश। यातायात पुलिस 96 महिला बाइक चालकों को देगी निःशुल्क हेलमेट, एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। स्वर्गीय प्यारे मोहन सरकार स्मृति छाया कुंज का पूर्व न्यायमूर्ति ने किया अनावरण, उनके व्यक्तित्व और कृतियों पर डाला प्रकाश। जिलाधिकारी के जनता दर्शन में उमड़ रहे हैं फरियादी, डीएम भी लगातार कर रहे हैं इसकी समस्याओं का निस्तारण। और गुड्डू सिंह क्रिकेट क्लब हरनही ने गंगा नेशनल पब्लिक स्कूल सिद्धार्थनगर को 190 रनों से रौंदा। गुड्डू सिंह क्रिकेट क्लब हरनही के गोपाल ने ठोका शानदार शतक।